भाई ये कुछ बच्चे हैं भाई के पास, सारे ब्रीड मिल जाएगी आपको। देखो काफी अच्छा लगा उनका पपी, और बहुत बहुत ही कम रेट पे सीरियसली बता रहे के पपी है। आपको कोई भी पपी चाहिए आप उनको बोल सकते हो कि भाई हमें ये वाला पपी चाहिए, और तो वो कहीं से भी अरेंज करा देते हैं। सो हे गाइस वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। तो यार आज के एपिसोड की शुरुआत हो रही है मेरे ऑफिस से। ये भाई रेस्ट रूम है बेसिकली, ये देख लो, ये बॉल वगैरह पड़ी रेस्ट करने के लिए। और भाई ये देख लो बाहर का नज़ारा, भाई इस एक घर में जा सकते हैं। ये बिल्कुल कोई इतनी दिख रहा, खाली पड़ी है बिल्डिंग। तो ये देख लो तुम दुकान के अंदर, देख लो भाई क्या कर रहा है, क्या कर रहा है ये। चलो वो छोड़ो। तो भाई आज का कुछ सीन ऐसा है, आज अपन फाइनली अपना पपी लेने जा रहे हैं। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली थी ना भाई, उसके अंदर एक पपी दिखाया था मैंने जिसकी डेथ हो चुकी है। तो मैंने कहीं और ट्राई करा, किसी मतलब मैंने काफ़ी जगह पे ट्राई करा, तो एक भाई से मेरी डील हुई, उन्होंने मेरे को अपना पपी दिखाया। तो भाई मेरे को काफ़ी अच्छा लगा उनका पपी, और बहुत बहुत ही कम रेट पे सीरियसली बता रहा हूँ। तो आज उनका फ़ोन आया था कि भाई शाम को पपी अवेलेबल हो जाएगा, तो आप आ जाओ और देख लो। तो अभी शाम को वहीं चलते हैं, और उन पर ना हर तरह का पपी है। आपको कोई भी पपी चाहिए आप उनको बोल सकते हो कि भाई हमें ये वाला पपी चाहिए, तो वो कहीं से भी अरेंज करा देते हैं। तो आज उनके पास चलेंगे, और पपी वैसे तो लेके आना क्योंकि मैंने फोटो उसमें देख लिया था कैसा पपी है। तो यही सीन आज का, आज फाइनली हम अपना पपी लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी चलते हैं, अभी कुछ खाता पीता हूँ मैं, अपना काम भी करना है, बहुत सारा ऑफिस का काम है। और बताना मेरे को अगर ऑफिस के ऊपर ब्लॉक, मतलब बेसिकली क्या होता है, जब मैं छोटा था ना भाई, मैं तो सोचा करता कि यार इतनी बड़ी बिल्डिंग है, मतलब इतनी बड़ी बिल्डिंग है कि क्या ही होता होगा। तो अगर आप चाहते हो कि ऑफिस में क्या होता है, तो भाई मैं बना दूंगा एक वीडियो, छोटी सी बना दूंगा कि क्या होता है ऑफिस में बेसिकली। तो बस ये तो एक रेस्ट रूम है, देख लो ऐसे होते हैं रेस्ट रूम भाई ऑफिस में। मतलब यहाँ पे टीवी लगा रखा है, और यहाँ पे बोल सी रखी है भाई, अपने बैठो आराम से देखो। और ये बाहर का नज़ारा, ये तो एक रूम का नज़ारा, पैसा वसूल है भाई। तो चलते हैं और सीधा बाइक पे मिलता है आपको, ठीक है। भाई पहुंचने वाले हैं, कितनी दूर रह गई, थोड़ी सी दूर रह गया। चल लोग वो अपनी बिल्डिंग अपना एरिया अपना ऑफिस किया पे ऑफिस पहुंचने के बाद करो ना। भाई से तो पहले काफी दिन से बात हो रही थी, इसलिए मगर भाई अभी बच्चे आए हैं थोड़ी देर पहले, मगर ले जा भाई जो उनको सिलेक्ट करना होगा, तो फिर तो ये धीरे धीरे अभी जब चले जाएंगे ये बच्चे। फ्लेवर दिखाना भाई आपके पास, बता दो कौन कौन सी ब्रीड है, मैं बता दूँ वीडियो में ना। भाई ये कुछ बच्चे हैं भाई के पास, सारे ब्रीड मिल जाएंगे आपको। ये है भाई साहब चाऊ 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 चाऊ, उठाने को उठा के दिखाओ चाऊ चाऊ मेल। अच्छा चाऊ चाऊ, अपने ब्रीडिंग का काम है भाई साहब, बढ़िया क्वालिटी के ब्रीड रखते हैं, ब्रीड में कोई प्रॉब्लम हो अपना बच्चा वापस। अच्छा ठीक है, कितने दिन का भाई ये? ये है अपने 50 डेज का। चलो सही है, ये देख लो भाई बढ़िया है। और कौन सी ब्रीड है भाई के पास? और अपने पास है भाई साहब शिट्ज़ू एक। अच्छा, ये कितने दिन का है भाई? ये 37 डेज का। अच्छा, और इसके बाद ये है भाई स्पिट्स मेल। हाँ स्पिट्स का मेल। अच्छा ठीक भाई, ब्यूटी वर्क दिखा दो। ये है भाई अपने रिट्रीवर, गोल्डन रिट्रीवर हैवी बोन। और ये कितने डेज का है भाई? ये 47 डेज का है। अच्छा अच्छा भाई, इतना ही है, इतना ही है। और ये भाई लेब्रा, ये है लेब्रा भाई, लेब्राडोर फीमेल। ये भी 40 डेज का कुछ लगभग अपने पास बच्चे होते हैं भाई साहब, 35 से 40 डेज के लगभग ज्यादातर। अच्छा
ठीक है तो भाई अगर आप मतलब आपके पास किसी को कॉन्टेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे? नंबर भाई नंबर है मेरा बड़ा भाई है उनका नंबर है राजेंद्र का और अच्छा उनका पेज भी है ब्रदर डॉग कनेल के नाम से। ठीक है भाई ठीक है उनका नंबर है 9050230304। ठीक है भाई ठीक है तो भाई अगर किसी को भी कोई मतलब कोई पसंद आ रहा हो पिल्ला विल्ला तो आप यहाँ से कॉन्टेक्ट करके ले सकते हो और प्राइस भी भाई का बहुत अच्छा प्राइस है और मैंने भी ले लिया है मैंने लैब्राडोर लिया है जो कि अराउंड मतलब बहुत ठीक प्राइस पे है तो अगर आपको लेना है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो भाई से पकड़ लिया तो हाँ इसमें का नंबर डालना वो भाई का नंबर दे दिया और नीचे मेरा नंबर डाल देना भाई।